गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर ईवीएस बुक ऑफ क्लास थ्री के ईवीएस की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 है क्लॉथ्स, कपड़े। इन आवर कंट्री, हमारे देश में विमेन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, औरतें विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनती हैं। हमारे देश में विमेन वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेज, मीन्स क्या होता है पोशाक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। हमारे देश में औरतें विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनती हैं। देयर ड्रेसेज आर वेरी ब्यूटीफुल, उनका पोशाक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है। द स्टाइल एंड ड्रेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टाइल ढंग या तरीका, द स्टाइल एंड ड्रेस स्टाइल और पहनावा राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। स्टाइल मतलब होता है ढंग और ड्रेस मीन्स क्या होता है पहनावा, राज्य दर राज्य क्या होता है अलग अलग होता है। द स्टाइल एंड ड्रेस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। सारी इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ विमेन इन आवर कंट्री, हमारे देश में इन आवर कंट्री साड़ी मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन, सर्वाधिक कॉमन ड्रेस है, आम पोशाक है। हमारे देश में साड़ी औरतों का आम पोशाक है। साड़ी इज ओर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में साड़ी अलग अलग तरीकों से पहनी जाती है। डिफरेंट स्टेट्स मीन्स क्या होता है विभिन्न राज्य में, डिफरेंट वेज मीन्स अलग अलग तरीकों से। साड़ी इज और इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में साड़ी अलग अलग तरीकों से पहनी जाती है, डिफरेंट वेज में पहनी जाती है। ये आपका रहा हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब बच्चों आप अपना कॉपी खोलेंगे, कॉपी पर क्या लिखेंगे, चैप्टर 6 क्लॉथ्स, बॉक्स बना लेंगे, डेट डाल लीजिएगा आज का अगस्त 5, 2020। ए यह भी लिख लेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के लिए ट्रू और फॉल्स लिखिए, सत्य और असत्य लिखिए। तो आप ये और यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। पहला, सलवार कमीज इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन, सलवार और कमीज भारतीय औरतों का सर्वाधिक आम पोशाक है, मोस्ट कॉमन ड्रेस है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। दूसरा, साड़ी इज ओर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से साड़ी पहनी जाती है, ओर्न की जाती है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। साड़ी इज ओर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में साड़ी विभिन्न तरीकों से अलग अलग तरीकों से पहनी जाती है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 2 तक बच्चों आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आगे बढ़ा जाए, तीसरा, ड्रेसेज ऑफ इंडियन वुमेन आर वेरी ब्यूटीफुल, भारतीय औरतों का पोशाक या पहनावा आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। टी लिख लेंगे ट्रू के लिए। फोर, इन इंडिया द स्टाइल ऑफ वेयरिंग ड्रेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, भारत में स्टाइल ऑफ वेयरिंग ड्रेस पोशाक पहनने की शैली राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। इन इंडिया द स्टाइल ऑफ वेयरिंग ड्रेस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेटमेंट आपका जो है ट्रू है। क्या है जो है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। टी लिख लेंगे बच्चे।
ये लिख लेंगे बच्चे, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको क्या लिखना है, बी फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको खाली स्थान भरने हैं। पहला क्या है, ड्रेस, दूसरा आपका है कॉमन, तीसरा है सारी, चौथा क्या है आपका कंट्री। पहला इंडिया इज आवर, यहाँ क्या भरेंगे, कंट्री, भारत हमारा देश है। आपको खाली स्थान में क्या भरना है, कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री मीन्स देश। दूसरा इंडियन वीमेन वीयर्स, भारतीय औरतें पहनती हैं साड़ी, यहाँ पर क्या भरना है आपको जो है एस ए आर डबल ई, साड़ी भर लेना है। तीसरा हर, क्या भरेंगी खाली स्थान में, ड्रेस, इज वेरी ब्यूटीफुल, उसका पहनावा बहुत सुंदर होता है, हर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, आप यहाँ क्या भर लेंगे, ड्रेस। चौथा साड़ी इज द कॉमन ड्रेस ऑफ इंडियन वीमेन, भारतीय साड़ी जो है भारतीय औरतों का कॉमन आम पोशाक है, साड़ी भारतीय औरतों का आम पोशाक है, यहाँ आपको भरना है कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन मीन्स आम, ड्रेस मीन्स पोशाक या पहनावा, साड़ी मीन्स साड़ी, कंट्री मीन्स देश, सी ओ यू एन टी आर वाई। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आपको अपना होमवर्क सुनना है। आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क है ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स, जो आज पढ़ाया गया है उसको आपको होमवर्क की कॉपी में बोल बोल कर समझ समझ कर लिखना है, लिखने के बाद आपको लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर, यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, खुश रहिए, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा माने, दैट्स ऑल।